अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट वन की, और इसका सब्जेक्ट है फंक्शनल इंग्लिश। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको फंक्शनल इंग्लिश की आपको स्टूडेंट्स पेपर प्रिपरेशन स्कीम शुरू करवा दी चुकी है। आप स्टूडेंट्स ने ज्यादा से ज्यादा इस पेपर प्रिपरेशन स्कीम के जरिए से ही अपने पेपर की तैयारी शुरू करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने सेक्शन वन के अंदर किस क्वेश्चन को आपने किस तरह सोल्व करना है, और आज मैं जो क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूं वो है नंबर्स, यानी कि वाहद जमा आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट याद करने हैं। मैं आपको बताता हूं कहां से आपकी बुक में से वाहद जमा आते हैं, ये भी आपसे मैं शेयर करूंगा, और ये ऐसे सिंगुलर प्लूरल होंगे जो आपको स्टूडेंट्स प्रीवियस पेपर्स में भी उसने डाले हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्री है, चाहे वो स्टूडेंट्स एनुअल एग्जामिनेशन लास्ट 15 इयर्स के मैं छांटी करके आपके पास लेके आया हूं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए, और इसके साथ साथ आपको पेपर प्रिपरेशन स्कीम के अलावा आपको नेक्स्ट ईयर में बीकॉम पार्ट टू की भी पेपर प्रिपरेशन भी और स्टार्टिंग से भी शुरू करवाई जाएगी तमाम प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, हमारे पास जो सेक्शन वन होता है ना, उसमें पहला क्वेश्चन आपके पास होता है, ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन नंबर वन, उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपको डेफिनेशंस का पूछेगा। चार से पांच डेफिनेशन दी होती है, आपने वो करना है। उसके अंदर दूसरा पार्ट होता है, आपने सेंटेंस को ठीक करना होता है, ये बताना होता है कि ये सेंटेंस कहां से है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर टू होता है इसी सेक्शन के अंदर, जिसका नंबर वन पार्ट होता है, वो कहता है चेंज इन टू नंबर। नंबर का यह मतलब होता है वहां जमा, चेंज इन टू नंबर्स। और दूसरा क्वेश्चन होता है चेंज इन टू जेंडर, ये पांच पांच नंबर के अंदर आते हैं, चेंज इन टू जेंडर्स। फिर इसके बाद तीसरा इसमें पार्ट होता है एंटोनियम सिनोनियम्स आपसे पूछे जाते हैं, ये भी पांच नंबर का होता है। और फोर नंबर पॉइंट पार्ट वो कोई भी आपसे कह सकता है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। आज मैं ये क्वेश्चन नंबर टू से या टू को ही आपसे शेयर करूंगा। ये टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर टू। आप क्वेश्चन नंबर टू ही पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये याद करना भी बहुत सिंपल है। आज मैं आपको कराऊंगा चेंज इन नंबर, यानी कि वाह जमा आपने कौन कौन से याद करने हैं। अब आप करो, इमरान हाशमी की, राइटर इमरान हाशमी की बुक पकड़ लो। आप ऐसा कीजिएगा, पेज नंबर ओपन कर लें राइटर इमरान हाशमी की बुक से, 38 पेज नंबर, यहां से आपके जो है वाहद जमा शुरू है, यानी कि चेंज इनटू नंबर शुरू है। मैं टिक करवाता जाता हूं, टोटल है 91, इनमें से आपने जो मैं टिक करवाऊंगा आपने उन्हीं को ही रट्टा लगाना है, चाहे जो कुछ मर्जी करे रट्टा लगना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें आप करेंगे टू, फिर आप करेंगे फोर, सिक्स, एट, एट के बाद आप करोगे 10, 15, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 34, फिर आप करेंगे 37, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 49, फिर आप करेंगे 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 61, 64, 65, 75, 79, 85, 88, बस 88, यहां तक ही आप अपने करेंगे। 91 में से आप स्टूडेंट्स इन तमाम को आपने क्या करना है, पक्का रट्टा लगाना है स्टूडेंट्स, पक्का रट्टा लगना चाहिए। ये आपको कहीं से इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। इन तमाम को आपने क्या करना है, अच्छे से याद करना है। इसके अलावा आपको ना स्टूडेंट्स पेज नंबर 24 या 25 पे अगर आप जाएंगे ना, तो वहां से आपको, या 28 है आई थिंक सो पेज, जहां से इसके रूल्स लिखे होते हैं नंबर के, वो रूल्स को भी आपने पढ़ लेना है। उनमें एक रूल्स आपको, जैसे फ्लाई है वाई आई एंड पे तो आई ई एस लगाते हैं, उनमें से भी एक आप एक आधा आपको वो पूछ सकता है, आपने उन रूल्स को भी एक दफा देख के चले जाना है। ये थे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को आते हैं, और स्टूडेंट्स इनको फोकस नहीं करते, वो यही देखते रहते हैं कि पता नहीं ये रूल्स हैं या, हाँ वो रूल्स भी आते हैं जो आपके, जहां से आपके नंबर्स यानी कि वहां जमा आपके शुरू होते हैं, सिंगुलर प्लूरल जहां से आपके शुरू होते हैं वहां से भी आते हैं, उन रूल से भी आते हैं, लेकिन उन रूल्स को ज्यादा याद करना नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं याद करना कि इनको आप भूल जाएं।
इसको भी आपने फोकस करना है और उनको भी एक दफा स्टडी करके चल जाना। आपका ये पार्ट नंबर वन, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर वन चेंज इनटू नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा चेंज इनटू जेंडर, उसमें इंपॉर्टेंट आप कौन से जेंडर करोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आप प्लीज जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू नेक्स्ट ईयर 2023 के लिए आपको पेपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी और आपको कंप्लीटली तमाम बुक्स के बारे में भी स्टडी करवाई जाएगी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।